guys, so today I'm going to give you first impressions and unboxing from the products I bought from Nykaa Pink Love Sale. So stay tuned and keep watching. So ये very first product है Nykaa Love Struck Love Knot Shower Gel. ये actually मुझे Prize Platinum Prize member ship का birthday gift मिला in the month of July 2024. ये एक shower gel है और इसको ओपन, ये उसकी कंसिस्टेंसी है, ट्रांसपेरेंट है. ओह, देयर्स अ बबल. ऑलराइट, अगर स्मेल की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल सा गर्ली फ्लोरल स्मेल है इसका. सो मैं इसको ट्राई करके वापस इसके ऊपर एक रिव्यू दे दूँगी. सो ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये फ्लोरेंस बाय मिल्स का है. ये ड्रीमी ड्रॉप्स हाइड्रेटिंग सीरम है. ये भी मुझे एक गिफ्ट सैशेट में मिला है जो मैंने फ्लोरेंस बाय मिल्स का मस्करा लिया है. ये भी मैं ट्राई करके इसका रिव्यू शेयर कर दूँगी. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है ये फॉरएवर 52 डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रोफेशनल का है ग्लो एंड प्रेप मेकअप प्राइमर. मेरी ऑयली स्किन है तो मोस्ट प्रोबेबली पीपल प्रेफर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, बट मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना था. सो मैं ये मॉइस्चराइजर बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज समटाइम्स मैं जब मुझे कुछ हैवी नहीं लगाना है स्किन प्रेप लाइक मॉइस्चराइजर सेरम्स सनस्क्रीन्स एंड ऑल्सो आई कैन पुट दिस एंड गुड टू गो. चल आइए तो फिर इसे अनबॉक्स कर लेते हैं. तो ये प्रोडक्ट है ग्लो एंड प्रेप. तो ये अगर आप देखेंगे तो वाटर बेस्ड में है, मॉइस्चराइजर जैसा है एंड स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि जब आपको कुछ हैवी नहीं लगना है या एकदम स्टिकी नहीं फील होना है तो ये प्राइमर बहुत अच्छा रहेगा ऑयली स्किन के लिए. ये पूरा वाटर बेस्ड है एंड क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में एंड एज इट सेज ग्लो भी दे देता है. बहुत हाइड्रेटिंग है ये. मॉइस्चराइजर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस प्राइमर. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ डेली लाइफ फॉरएवर 52 कलर करेक्टिंग फुल कवरेज क्रीम. ये एक सीसी प्लस क्रीम है विथ एसपीएफ 15 और ये जो मैंने शेड में लिया है इट्स इन सीसी 004 ग्रेज. सो ये आई थिंक ये थोड़ा डार्क शेड है मेरे स्किन टोन के लिए बट समर्स में चल जाएगा. तो अगर आप देखेंगे तो ये ओके थोड़ा फ्लोई मुझे लगा थिक रहेगा क्योंकि ये सीसी क्रीम है बट कंसिस्टेंसी देखने के बाद ये बहुत फ्लोई है एंड ये मैं अभी प्राइमर के ऊपर लगा रही हूँ. सो इट इज़ गिविंग अ वेरी नाइस एंड फ्लॉलेस बेस एंड अनफॉर्चुनेटली ये कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क है मेरे स्किन टोन के लिए बिकॉज ये पूरा येलो अंडरटोन है एंड माय स्किन टोन इज़ लिटरली लाइक न्यूट्रल टू कूल. सो कोई नहीं, आई यूज़ इट इन समर बट कवरेज के हिसाब से भी प्राइमर के ऊपर इट इज़ गिविंग अ गुड कवरेज लाइक शीयर टू फुल कवरेज मीडियम टू फुल कवरेज आई वुड से एंड कंसिस्टेंसी भी नॉन स्टिकी है लाइक ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है एंड ईजीली ब्लेंडेबल है एंड हैवी भी नहीं फील हो रहा है. तो एज़ यू कैन सी ये मैंने कम्प्लीटली ब्लेंड कर दिया है मेरे ये साइड में. ओके अच्छा कवरेज तो दे रहा है ये, मीडियम टू फुल कवरेज है एंड बस मेरा अंडरटोन कूल न्यूट्रल टू कूल है और ये मैंने येलो अंडरटोन में लिया है इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बट जब अच्छे से मेकअप कर देंगे तो अच्छे से सूट हो ही जाएगा. ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन इन द शेड NC40. एक्चुअली आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बिटवीन NC37 एंड NC40 बट आई फेल्ट लाइक NC37 थोड़ा और लाइट हो जाएगा स्किन के लिए तो मैं NC40 पे गई एंड NC42 वॉज वे टू डार्क एंड वो ऑक्सीडाइज होने के बाद बहुत ऑरेंज दिख रहा था फेस पे. इवन NC41 वॉज स्लाइटली डार्कर फॉर माई स्किन टोन. सो मुझे NC40 ज़्यादा बेटर लगा तो आइए इसको ट्राई कर देते हैं. और सॉरी ये थोड़ा पैकेजिंग ख़राब हो गया बिकॉज मेरी डॉटर ने
उसको थोड़ा मैसी कर दिया है, क्योंकि ये मैंने पहले भी ओपन आते के साथ ओपन करके देखा था। तो ये है शेड, तो ये है शेड NC40 स्पंज के साथ आता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट राइट नाउ। मैं बस फिंगर स्वॉच दे दूँगी इसका। ओके, मैं इसके ऊपर ही लगा रही हूँ। ओके, सो इट इज़ गिविंग मी अ क्वाइट अ मैच, बट या ये थोड़ा सा कूल अंडरटोन पे है, न्यूट्रल टू कूल अंडरटोन में है, कॉम्पैक्ट, तो इसलिए ये थोड़ा सा रेडिश दिख के आ रहा होगा, बट इट्स फाइन, चल जाएगा एट द एंड, इट्स मैक। ओके, सो आई विल गिव अ स्वॉच ओवर हियर, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा डार्क है मेरे बॉडी के कलर से, तो आई एम लाइक ये शेड बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। तो मैं अभी रिव्यू करूँगी अर्बन डीके का स्टे नेकेड क्विकी अप टू 24 आवर्स मल्टी यूज़ कंसीलर इन द शेड 50 NN। ये भी एक मीडियम टू न्यूट्रल स्किन टोन के लिए है। मुझे पता नहीं ये कंसीलर अभी तक इंडिया में फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, लाइक मैंने इसके जब रिव्यूज़ खुद से देखे थे तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, एंड ये इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है, लाइक 16 point something ग्राम्स का है ये। बस जब आप इसको ख़रीदो, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव साइड में आता है, ल्यूक साइड में आता है, तो अगर आप इसको कभी ख़रीदो तो सफ़ुरा में जाके मतलब टेस्ट करके ही लेना। मैंने तो ये 50 NN न्यूड न्यूट्रल इसलिए लिया क्योंकि आई थॉट ये मेरे स्किन टोन से बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच करेगा। ओके, तो मैंने ये लिया क्योंकि इसमें 50 WO भी है, वो थोड़ा ऑरेंज शेड में है। अगर आपको वेरी वेरी डार्क अंडर आइज़ है एंड आपको एशी नहीं दिख रहा है तो आप 50 WO शेड भी जा सकते हो। 40 NN से लेके 60 NN तक सारे इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छे शेड्स हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट सो फेमस। ये एक बिल्ट इन ब्रश के साथ आ जाता है, इसलिए इसका नाम क्विकी है, सो दैट इट इज़ अ रेडी टू यूज़ कंसीलर। तो ये इसका स्वॉच कर लेते हैं। ओके ओके नाइस, तो ये इसका स्वॉच है, सो यू कैन सी, एंड कवरेज भी उसका बहुत अच्छा है। ये मुझे लॉरियल, इसका अगर ड्यूप मुझे कोई पूछे तो आई वुड से लॉरियल इनफैलिएबल का कंसीलर, सेम उसी तरह है बट बेटर। Why this is not famous in Indian market, I don't know. ये थोड़ा टार्ट शेप टेप के टार्ट शेप टेप जैसा भी मुझे लग रहा है, लाइक 19 पीस का फ़र्क।